बात उस अटैक की जो एनसीआर के रास्ते राजधानी जयपुर तक पहुंच चुका है और सीधे आपकी सेहत पर अटैक कर रहा है। एक ऐसा अटैक जिससे आपका बचना बेहद मुश्किल, क्योंकि यह है स्मॉग अटैक। स्मोक अटैक एक ऐसा हमला जिसकी जद में आते ही पूरा शहर धुआं धुआं हो गया, आसमान में सूरज खो गया और लगा कि पूरे शहर पर एक साथ जहरीली हवा से हमला किया गया। लेकिन क्या हम इस हमले से बच पाएंगे और क्या इस हमले से लड़ने के लिए हम तैयार हैं या तैयार थे, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये रिपोर्ट देखिए। धुआं धुआं शहर है, आसमान धुआं है, जमीन धुआं है, हर दिशा धुआं धुआं है। इस धुएं में गुलाबी नगरी खोई खोई सी है, लगता अपनी हालत पर रोई रोई सी है। सांसों में घुटन है, आंखों में जलन है, चेहरे पर दिख रहा नकाब है, लगता मानो कोई जहरीला ख्वाब है। दिल वालों की गुलाबी नगरी के हाल कुछ ऐसे हैं, गैस चैम्बर में रहते हम जैसे हैं। कार्बन सोखने वाले पेड़ों के छेद भी बंद हो गए, लगता है सड़कों पर वाहन धुएं में कहीं खो गए। प्रदूषण का सामान्य स्तर कई गुना बढ़ चुका है, मानक PM 2.5 60 से 225 और PM 10 149 हो चुका है। सांसों के अंदर जहरले शहरवासी जी रहे हैं, लगता है हर दिन 20 सिगरेट पी रहे हैं। ऐसे में हर कोई यही कह रहा है कि गुलाबी नगरी में दम घुटता है, यारा मैं क्या करूं। जहरीली हवा में भी गुलाबी नगरी भाग रही है, दिन रात धुएं में खोई है फिर भी जाग रही है। फिक्र में इसके एनजीटी लगाता फटकार है और मुंह चिढ़ाती सफाई देती सरकार है। मजबूरी के बीच हर कोई बेबस है, कैसे निपटे इससे, केंद्र और प्रदेशों में कशमाकश है। इस बीच हर कोई सोच रहा है राजधानी की जहरीली हवा में क्यों हर कोई जीने को मजबूर है, क्या सरकार और नेताओं से इतर शहरवासियों का ही ये कसूर है। दिल्ली में दीपावली के बाद जिस तरह से स्मॉग पूरा छाया हुआ है, आज उत्तर पूर्व की जो हवा चली उससे राजस्थान में भी इस स्मॉग का असर देखने को मिल रहा है। पूरे पूर्वी राजस्थान की बात करें, दिल्ली NCR, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, धौलपुर और यहाँ तक की राजधानी जयपुर में भी इस समय जो प्रदूषण है अचानक बढ़ गया है। कम्प्लीटली देखा जा सकता है इस तरह से पूरे आसमान में जिस तरह से धूल के कण जो छाए हुए हैं, काली माई छा गई है और प्रदूषण का स्तर भी 170 से भी ऊपर पहुंच गया है। और इस तरह की आशंका लगाई जा रही है, देखी जा रही है कि ये जो प्रदूषण का स्तर है ये 250 से 300 के ऊपर भी पहुंच सकता है। ऐसे में अस्थमा के मरीज, जिनको एक्जिमा है वो उस तरह के मरीज, या जिनको किसी तरह की एलर्जी रहती है उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और देखने में ये आ रहा है सामान्य तौर पर कि लोगों की आंखों में जलन, खुजली, उनको उल्टी आना या उनको खांसी जुकाम, इस तरह की जो है अचानक से वातावरण में जो प्रदूषण बढ़ा है उससे रोग भी बढ़ गए हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो दिल्ली का स्मॉग है उत्तर पूर्व की हवा के चलते वो राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले 24 से 48 घंटे में इसका स्तर और ज़्यादा बढ़ सकता है। निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।